अलवरगेट थाना अंतर्गत छेड़छाड़ के मामले में दो पक्ष पुलिस थाने में ही आमने सामने हो गए। लगभग आधा घंटे तक दोनों पक्ष थाने पर ही हंगामा करते रहे। इस बीच पुलिस की मौजूदगी में एक महिला ने आरोपी पक्ष के युवक पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने बमुश्किल स्थिति को संभाला और युवती व उसके परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी गौरव वर्मा उन्हीं का रिश्तेदार है। बावजूद इसके अश्लील मैसेज करना, रात के समय फोन करके परेशान करना और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देना कब तक सहन करते। आखिर आज पुलिस को इसकी करतूत से अवगत कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। हमको 3 महीने से परेशान हो रहे हैं, धमकियां देता है। क्या बोलते ना, मैंने फर्जी सिम ले रखी है और मैं तुमको खुद परेशान कर, खुद बोल रहा है मुझसे कि हाँ मैं परेशान कर रहा हूँ। बहुत गंदे गंदे मैसेज कर रहा है, बता ही नहीं सकते किसी को, बोल के सुना ही नहीं सकते। ये हमारी रिश्तेदारी है, गोलू है, गौरव वर्मा भट्टे का। 3 महीने से स्कूल, हाँ, और स्कूल के वहां इसने बहुत परेशान करा। बचपन से आता जाता ही हमारे घर, लेकिन ये ऐसा करेगा हमने सोचा भी नहीं था, कोई कसर नहीं रखी। अब ये क्या, हम इसलिए चुप बैठे हुए थे कि रिश्तेदार है और इसके पापा भी सही आदमी है, इसलिए हम चुप बैठे हुए थे कि भाई रिश्तेदार है, मान जाओ। लेकिन अब ये इतनी अति करता है, कोई को मैंने नंबर दे दिया उसको परेशान करता है, तो इनके लिए बहुत गंदा कि मैसेज किसी को पढ़ा नहीं सकते, बोल के सुना नहीं सकते। ये हाल है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। इसका गौरव नाम है। भारतीय किसान कॉल सेंटर के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शनिवार को इस मामले में पीड़िता ने गंज थाने में दिल्ली की भारतीय किसान कॉल सेंटर के विरुद्ध 18,000 रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता सोनम खान ने बताया कि अखबार में आए एक विज्ञापन के आधार पर उसने किसान कॉल सेंटर पर जिला स्तर की भर्ती प्रक्रिया के लिए 500 रुपए फॉर्म के लिए क्षत्रिय ठक्के अकाउंट में जमा करा दिए। फॉर्म पर लगी कृषि विभाग की सील और भारत सरकार के ठप्पे को देखकर उसे विश्वास हो गया कि वह सही जगह आवेदन कर रही है। इसके बाद ठगों ने 25 साल तक नौकरी का सुनहरा ख्वाब दिखाकर नौकरी के लिए लैपटॉप और मोबाइल की जरूरत बताते हुए करीब 17,000 रुपए और अकाउंट में जमा करा लिए। लेकिन इसके बाद शातिर ठगों का मोबाइल बंद हो गया। पीड़िता जब जिले के कृषि विभाग पहुंची तो वहां फार्म सील ठप्पे सभी को कुछ झूठा बताया गया। इसके बाद उसे ठगे जाने का एहसास हुआ और उसने गंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। 31 मार्च को विज्ञापन आया था अखबार में, तो मैंने उस विज्ञापन को पढ़ के फोन किया, तो सुमित कुमार नाम से एक व्यक्ति ने फोन उठाया था। फिर उन्होंने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो मैंने उस मैसेज में उनको अपने डॉक्यूमेंट्स, जो अपने मैसेज में अपना बायोडाटा लिख के दिया कि 12,500 रुपये राशि आपको जमा करनी है, आपके घर लैपटॉप और मोबाइल आएगा उसकी सिक्योरिटी। तो वो लैपटॉप और मोबाइल की सिक्योरिटी 12,500 रुपये मैंने PNB बैंक में जमा करा दिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक मैसेज किया कि एग्रीमेंट होगा उसके लिए 5,000 और जमा कराना है, तो वो भी करा दिया। और उन्होंने कहा 15 मई तक आपके पास ये लैपटॉप और मोबाइल घर आपके अधिकारी आएंगे। फिर 5 तारीख के बाद जब फोन बन जा रहा है, तो फिर जो कि अपने जिले में कृषि विभाग लगते हैं, उन्होंने कहा था जहां आपके जिले में कृषि विभाग है वहां आपको जॉब दी जाएगी, तो उनके कृषि विभाग में 84 स्वास्थ्य वाले पे जो विभाग है वहां में गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जॉब हमारे यहाँ नहीं है। फिर लगा कि कोई फर्जी है जो कि गवर्नमेंट सील का उपयोग किया गया है, इसी वजह से मैं शिकायत दर्ज करने आई हूँ गंज थाने में। जिला पुलिस द्वारा खानाबदोश बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने और उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया पर शुरू किया गया प्रेरणा व्हाट्सएप ग्रुप को जागरूक लोगों के जरिए लगातार कामयाबी मिल रही है। शनिवार को इस ग्रुप पर मिली एक शिकायत के आधार पर अलवरगेट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 9 दुकानों से भारी मात्रा में तंबाकू सहित नशीले पदार्थ जब्त किए। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें अधिकतर दुकानें स्कूलों के पास संचालित की जा रही थी। थाना प्रभारी बीआर खिलेरी ने बताया कि राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध अधूम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम की धारा 9 और 11 के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही 3 स्थानों पर कोटपा के तहत भी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस तरह कुल 12 मामलों में अलवरगेट थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि पुलिस ने इन दिनों नाबालिगों को नशे की लत से दूर रखने के लिए अभियान छेड़ रखा है। इन सभी मामलों की शिकायत प्रेरणा व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हुई थी। CRPF के ब्रिज के नीचे, मेयो कॉलेज के सामने, SBL स्कूल के सामने, मर्दंग सिनेमा के पास और महात्मा गांधी स्कूल के आसपास काफी मात्रा में बच्चों को बीड़ी सिगरेट या अन्य उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इस सूचना के ऊपर वहां पहुंचे तो पहुंचकर कार्रवाई की SHAB के निर्देशानुसार। उसमें 9 आदमियों को हमने राजस्थान धूम्रपान निषेध अधिनियम
और ये धूम्रपाई व्यक्तियों का स्वास्थ्य अधिनियम 7 की धारा 9 और 11 के तहत इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तभी जी इलाके के डीडीपुरम के खाली पड़े प्लॉट में बेला फुसलाकर बुलाने के बाद हथियार की नोक पर लूटपाट करने वाले माहिर गिरोह के सरगना को मांगलियावास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अजमेर की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किए गए आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने लूटे गए जेवर और 5 मांदलिये भी बरामद कर लिए। पुलिस ने शनिवार को आरोपी फकीरा खेड़ा निवासी रमजान उर्फ कालू उर्फ इमरान को अदालत में पेश किया, जहां से उसे फिर से जेल भेज दिया गया। जयपुर रोड स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे दलित छात्र के उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को प्रोफेसर जगदीश उल्लास यादव और डॉक्टर अतीक अहमद को SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया था। शनिवार को गिरफ्तार किए गए दोनों प्रोफेसर को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र उमेश किशोर जोनवाल ने SC/ST कोर्ट में इस्तगासा पेश कर विश्वविद्यालय के कुलपति और 4 प्रोफेसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। परिवादी उमेश के अनुसार पिछले 1 साल से कुलपति अरुण कुमार पुजारी, प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश उल्लास यादव, डॉक्टर अतीक अहमद, प्रोफेसर RT पारदाशानी, प्रोफेसर AP सिंह, डॉक्टर S कंडा स्वामी, डॉक्टर नागार्जुन अम्बेडकर सोले, प्रोफेसर AK गुप्ता मानसिक शारीरिक आर्थिक और जातिगत दुर्व्यवहार कर प्रताड़ित कर रहे थे। प्रोफेसर ने जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। परिवाद में आरोप लगाया कि उससे रिसर्च के नाम पर पैसे लिए गए और दोबारा पैसे नहीं देने पर प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्रावास से जबरन बेदखल कर नियम विरुद्ध तरीके से प्रवेश निरस्त कर दिया। परिवादी उमेश द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जगदीश उल्लास यादव और डॉक्टर अतीक अहमद को SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को SC/ST कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने दोनों प्रोफेसर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। वहीं मामले के सामने आने के बाद भी पुलिस इस मामले में मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचती रही।